Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. आइडिया प्लान। अब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कोई प्लान करते हो, जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस क्लास के बाद मैं शेख इमरान के साथ सीवीओ पे जाके बैठूंगा और वहां पे हम चाय पियेंगे, तो ये एक मेरा प्लान था। इसी तरह आप जिस तरह मार्केटिंग में जाते हो और या फेसबुक मार्केटिंग में जाते हो तो आप एक मीडिया प्लान बनाते हो। आपको मैं रियल टाइम में प्लान दिखा रहा हूँ जो कि मैं बनाता हूँ या जिस पे मैं काम करता हूँ। इसमें मेरी एक बहुत ही पसंदीदा कंपनी थी जिसका नाम था गौहर टेक्सटाइल। हमने गौहर टेक्सटाइल के लिए कुछ मीडिया प्लान बनाए थे। नहीं, ये नहीं है, ये एड की डिटेल है, ये भी मीडिया प्लान का पार्ट है, एड डिटेल्स भी। पर जो आज आपको मैं एग्जैक्टली दिखाना चाह रहा हूँ वो है मीडिया प्लान, ये वाला। सबसे पहले आपने ये मेंशन करना है मीडिया प्लान के अंदर कि आप क्या करने जा रहे हो अपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के साथ। स्टूडेंट बहुत गौर से सुनिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी अपनी कैंपेन्स के लिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने बॉस को बताना है कि सर ये मेरा प्लान है और इस तरह मैं काम करने जा रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के समझ में ये मीडिया प्लान आ गया तो वो कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में किसी से भी मार नहीं खा सकता। ऐसा डेटा इस मीडिया प्लान के थ्रू प्रेजेंट करेगा कि आपका बॉस वाकई परेशान होकर वो आपके ऊपर प्राउड फील करेगा कि यार मैं बिल्कुल ठीक बंदे को लेके आया हूँ। कोई फ्रीलांस का प्रोजेक्ट है, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू कि आप अपने क्लाइंट को ये मीडिया प्लान शेयर कर रहे हो। ठीक है, ओके, मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, अब नजर आ रहे? अच्छा जी, 10 मिनट रह गए हैं और हम 8 मिनट रह गए हैं, 8 मिनट में इस चीज को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सीरियल नंबर को तो आप स्किप करें। सबसे पहले इवेंट क्या है। लेट्स सपोज मैं ब्लैक फ्राइडे की कंपेयर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि मैं ब्लैक फ्राइडे के ऊपर इवेंट लगा रहा हूँ, या कोई मेरा कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है तो मैं उस स्पेशल इवेंट के ऊपर उसको लिखूंगा कि वो स्पेशल इवेंट चल रहा है। ठीक है, देन हम उसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको अगर पिछले लेक्चर्स याद हो जिसमें हम कंपेन सेटअप की बात कर रहे थे तो उसमें बाकायदा तौर पे ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया था कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जिनको आप सिलेक्ट करके अपनी कंपेन को सेटअप करते हो। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से इंप्रेशन हासिल करनी है, मैंने कन्वर्जन लेके आनी है, सेल्स लेके आनी है, मैंने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है। नेक्स्ट में आप लिखोगे कि मेरा बजट कितना है, $500 है, $100 है, या ₹10,000 है, या क्या है। देन रेट्स के पार्ट को भी आप स्किप करो। शेड्यूल में आप लिखते हो कि ये 10 डेज का है, या 1 दिन का है, या 5 दिन का है। मॉड्यूल क्या है उसका, ठीक है, वो आप कॉस्ट पर माइल पे ऊपर लेके आ रहे हो या कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर लेके आ रहे हो। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक CPC के ऊपर लेके आ रहे हो, या CRM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। ये चीज आपके जो ऑब्जेक्टिव है वहां से क्लियर हो जाती है। जो इम्प्रेशंस का पार्ट है, ये रीच का पार्ट है, ये चलता है CPM के ऊपर कि पर 1000 इम्प्रेशंस फेसबुक आपको क्या रेट देता है। अगर आप पोस्ट एंगेजमेंट लेके आ रहे हो तो वो होता है CPE, कॉस्ट पर एंगेजमेंट। ठीक है, 2-3 टर्म्स आप याद कर लें। कभी आपका जॉब इंटरव्यू हो रहा हो या आप किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो तो आप उसको बताएंगे कि सर हम ऑब्जेक्टिव जो हम सिलेक्ट करते हैं वो पोस्ट एंगेजमेंट का होता है और जो कैंपेन्स में हम मॉड्यूल सेट करते हैं वो CPE का होता है। अब वो घंटा सोचता रहेगा CPE क्या है और वो यही अज्यूम करते रहेगा यार ये बंदा बहुत टैलेंटेड है और इसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत टर्मिनोलॉजीज के साथ और बहुत डिटेल्स के साथ मुझे पिच करा के क्या मैं इसको अपना प्रोजेक्ट दूंगा या मैं इसको जॉब पे रखूंगा। तो मॉड्यूल जो आपके पास होते हैं वो होता है कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कॉस्ट पर माइल
और होता है कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी, और होता है कॉस्ट पर ऑर्डर सीपीओ। अब आपके पास इंप्रेशंस कितने जनरेट होंगे, आपके पास क्लिक कितने जनरेट होंगे, ये चीज डिपेंड करेगी आपके सीटीआर पे, क्लिक थ्रू रेशो पे। क्लिक थ्रू रेशो का मतलब है कि कितने लोगों ने आपका एड देखा और कितने परसेंट लोग आपके एड पे क्लिक करते हैं। लेट्स सपोज मैंने बोला कि यार मेरा एड देखेगा 1000 बंदा और 1000 में से तकरीबन 2.5% उस पे क्लिक करेगा, ठीक है। किस रेट के ऊपर क्लिक करेगा, ये रेट आपको मिलेगा जस्ट अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। इस रेट को कभी आप एज्यूम नहीं कर सकते या इस रेट को कभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो सीपीएम पे रेट मिलता है वो लेट्स सपोज मुझे मिलता है $0.15, ठीक है, $0.15 मुझे सीपीएम का रेट मिलता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कभी 13 भी होता है, कभी 17 भी होता है, कभी $1 भी कंप्लीट होता है। तो ये जो रेट वाला पार्ट है, ये आप जब तक अपना एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अपनी कंपेन सेटअप नहीं करोगे, तब तक आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने इस पार्ट को भी स्किप कराया था कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वहां पे हम कंपेन सेटअप करेंगे, वहां पे सबके फेसबुक के अकाउंट बनवाएंगे, हम सबके जो बिजनेस अकाउंट है वो बनवाएंगे और उनकी मार्केटिंग स्टार्ट करवाएंगे, ताकि जो चीजें पिछले एक हफ्ते से दो हफ्ते से आप देख रहे हो और जस्ट इनको अपने हाथ से करोगे तो चीजें बिल्कुल परफेक्ट आपको याद होंगी, जुबानी देखने से या बातें सुनने से ये याद नहीं होंगी, ठीक है। इंप्रेशन और यूनिक क्लिक्स भी निकलते हैं आपके सीटीआर के थ्रू, ठीक है। आपका बजट क्या है और आपका रेट क्या है, बजट और रेट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आपके क्लिक्स आ जाते हैं कि आपके पास इतने यूनिक क्लिक्स आने की देर है कि मुझे अगर एक क्लिक मिलता है इस 0.15 के रेट पे तो मुझे $500 में कितने नए क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है। और जो इम्प्रेशंस है वो आपका यूनिक क्लिक्स के ऊपर और सीटीआर के ऊपर होता है। ये जिस टाइम आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये बातें क्या हैं, ये रेट कैसे होते हैं और ये कैलकुलेशन क्या है। इस टाइम शायद आपको ये कैलकुलेशन शेयर समझ में ना आए, बट जिस टाइम आप अपने हाथ से करोगे देन आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देन समझ में नहीं आती तो आई एम अवेलेबल हियर, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स किस तरह निकालने हैं, कितने कॉस्ट पर ऑर्डर पे आपको कितनी सेल्स मिल सकती हैं, एग्जैक्टली आप जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं वो मेंशन कर सकते हो। आप किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे हो किसी ब्रांड के पास और वो आपसे पूछते हैं कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड से कितनी सेल ला के दे सकते हो, आप उससे पूछोगे सर आपका आपका बजट क्या है पर मंथ का, ठीक है। वो आपको कहता है कि मेरा बजट है $500 का, आप उसे कहते हो सर एक महीने में $500 स्पेंड करने के बाद मैं आपको 120 सेल ला के दे सकता हूँ। वो आपसे पूछेगा किस तरह सेल ला के दे सकते हो 120, आप उसके सामने ये मीडिया प्लान बना के रखोगे, सर ये मेरा मीडिया प्लान है, इस मीडिया प्लान के थ्रू मैं आपको एक मंथ में $500 लगा के 120 सेल्स ला के दे सकता हूँ। क्या ये बात किसी को समझ में आई है, जिसको समझ में आई है वो नो लिखे। अच्छा फहद, ये जो आपने बात की ना कि प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट्स वेरी करेगा, ये डिफरेंट कैंपेन्स में जाएगा, ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में जाएगा। आपने जो मकसद होगा वो होगा इसको अचीव करना, सेल्स को अचीव करना। अच्छा ये शीट आपको मैं शेयर नहीं करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये शीट बनाना सिखाऊंगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा, जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहन में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे हैं तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको
एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।